नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पर। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाजा और आज हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो शायद से सबसे महंगा रियलमी स्मार्टफोन है और उसके अंदर आपको क्वालकॉम का लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है सबसे अफोर्डेबल दाम पे। उसके खिलाफ तो भैया चैलेंजर्स भी बहुत कम है मार्केट में, शायद से मोटरोला का एज 30 प्रो ही उसके खिलाफ एक चैलेंजर है असली मामलों में, और वो है रियलमी का GT2 Pro, जिसके बारे में आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। 50,000 रुपए के आसपास आपको यहाँ पे एक 2K डिस्प्ले मिल रही है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है और आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही है GT2 Pro के साथ। पर क्या ये काफी है या फिर आपके लिए जो मोटो का फोन है वो एक बेहतरीन चॉइस रहेगा? तो अगर आप गैजेट 360 हिंदी पे नहीं है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम जरा शुरू करते हैं। अगर हम बात करें Realme GT 2 Pro की प्राइसिंग के बारे में तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो 50,000 रुपए से नीचे नीचे है और ये भारत में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है। 57,999 रुपए का जो वेरिएंट है उसमें आपको 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है जो कि हमारे पास टेस्टिंग के लिए आया था। Realme GT 2 Pro में एक बढ़िया सा टेक्सचर दे रखा है बैक पैनल पे, अगर आप व्हाइट या फिर ग्रीन वेरिएंट उठाएंगे। कहा ये जा रहा है कंपनी द्वारा कि ये जो टेक्सचर है ये पेपर प्रोडक्ट्स की लुक और फील को कॉपी करने की कोशिश करता है, और कई हफ्तों बाद भी हमने ये देखा कि उस पर कोई परमानेंट स्टेन या फिर मार्क नहीं आ रहे थे डेली यूज के बावजूद, और जो इस पर वेवी सा टेक्सचर दे रखा है वो बढ़िया ग्रिप हमको देता है और ये भी इंश्योर करता है कि फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस उस पर तेजी से नहीं आ रहे थे। भाई ये बात तो समझ में आती है कि बड़ा ही अंडरस्टेटेड सा लुक है इस फोन का और एस्थेटिक अलग ही है इसकी, पर पीछे से काफी हद तक बाकी रियलमी फोन्स जैसा ही लगता है, जैसे कि GT सीरीज, 9 सीरीज या फिर इवन C सीरीज के फोन्स जैसा ही। और हमें अंदर से ऐसी भावना से आती है कि भैया काश रियलमी ने इसमें कुछ और अलग सा डिजाइन दिया होता तो और मजा आता। जो GT 2 Pro है वो उतना मोटा भी नहीं है और 189 ग्राम इसका वजन है और ये काफी हद तक बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइट वेट फोन है, आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं। इस फोन में बढ़िया स्टीरियो स्पीकर्स आपको दे रखे हैं और ये डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती या फिर IP रेटिंग नहीं मिलती, जो कि बड़े एकदम मिस हैं, और ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको एज 30 प्रो के अंदर जरूर मिलेंगे। अब इस फोन के एक बड़े सेलिंग पॉइंट्स में से एक है कि इसमें 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले है और इसमें 2K रेजोल्यूशन है 10-bit कलर डेप्थ के साथ और मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है 1400 निट्स तक, बहुत ही जबरदस्त। ये एक LTPO 2.0 टाइप का AMOLED पैनल है और इसमें रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक जा सकती है, इस पे निर्भर करते हुए कि आप कौन सा कार्य उस पे कर रहे हैं। और इन सब के साथ साथ Realme ने यहाँ पे Corning Gorilla Glass Victus दे रखा है बढ़िया स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए। ये जो डिस्प्ले है काफी हद तक बढ़िया रहती है गेम्स खेलने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, और वीडियोस इसमें बहुत बढ़िया लग रहे थे, कलर सैचुरेशन जबरदस्त आ रही थी, ब्राइटनेस बढ़िया थी और इस पे HDR देखने का एक्सपीरियंस भी काफी हद तक बढ़िया था। अब आइए बात करते हैं सॉफ्टवेयर और UI एक्सपीरियंस के बारे में। जो Realme GT 2 Pro है वो Realme UI 3.0 के ऊपर चलता है जो कि Android 12 पे बेस्ड है। जो इसका यूजर इंटरफेस का लुक है वो कस्टमाइजेबल है और काफी हद तक स्मूथ चल रहा था, और इसमें कुछ कुछ पहले से प्री इंस्टॉल्ड Realme एप्स आते हैं पर आप उनको हटा सकते हैं, कईयों को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और फोन को डीक्लटर कर सकते हैं। ऐसे भैया Realme वालों का कहना है कि यहाँ पे 3 साल तक Android अपडेट्स और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स वो इस फोन को देंगे और इससे मतलब उनकी जो कमिटमेंट है इस फोन के प्रति वो दिखाई देती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अब अगर हम बात करें Realme GT 2 Pro के परफॉर्मेंस के बारे में तो ये लेटेस्ट Snapdragon 8 जनरेशन 1 SoC के साथ आता है। जो GT Pro है इस पे ज्यादातर जो पॉपुलर सोशल और प्रोडक्टिविटी ऐप्स है बड़े ही प्रेम से चलते हैं, इंटरफेस काफी हद तक इसका स्नैपी और फ्लूइड था, गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हद तक यहाँ पे बढ़िया थी, Asphalt 9 Legends यहाँ पे बढ़िया चल रही थी, सॉलिड फ्रेम रेट मिल रहा था हमको, ग्राफिक्स भी बढ़िया थे, फोन उतना ज्यादा गर्म भी नहीं हो रहा था। और लेकिन अगर हम भारी भारी गेम्स खेल रहे थे जैसे कि Fortnite वगैरह तो जो बॉडी थी GT 2 Pro की वो काफी ज्यादा गर्म हो रही थी लंबे समय तक गेम खेलने के बाद। जब गेम खेलते हुए थोड़ा ज्यादा समय बीत रहा था तो हमें केस भी डालना पड़ रहा था इस फोन पे, क्योंकि हीट जो थी वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। पर ऐसा नहीं है कि ये इशू हमें हर एक गेम में देखने को मिला, जो भी ग्राफिकली डिमांडिंग टाइटल्स थी उनकी वजह से GT 2 Pro का कूलिंग सिस्टम एकदम लिमिट पे पुश हो रहा था, पर ये फोन है काफी तक बढ़िया परफॉर्म कर रहा था बेंचमार्क्स पे भी और हमको 972,119 पॉइंट्स मिले AnTuTu बेंचमार्क पे। अब अगर हम बात करें Realme GT 2 Pro के कैमरास के बारे में तो यहाँ पे बढ़िया आपको सेट ऑफ कैमरास मिलते हैं जो कि दिन में रात में हर टाइम पे बढ़िया परफॉर्म करते हैं। Realme ने यहाँ पे Sony का MX766 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज करा है मेन रियर कैमरा के लिए, यहाँ पे OIS है और 8K 24fps तक की वीडियो शूट कर सकता है। दिन के समय में ऑटो फोकस बढ़िया था और लैंडस्केप शॉट्स में बढ़िया डिटेल्स और कलर्स थे, क्लोजअप्स भी बढ़िया आ रहे थे, बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर था वहाँ पर, डिटेल्स बढ़िया थे और जो लो लाइट में पिक्चर्स हमने ली वो भी बढ़िया आ रही थी, उनमें बहुत कम नॉइस था।
और औसत से ऊपर लेवल का डिटेल था वहां पे। लो लाइट में लिए गए जो क्लोजअप्स थे वो शार्प थे और उनमें बढ़िया डिटेल था क्योंकि यहाँ पे OIS भी है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है रियलमी GT2 Pro पे उसमें 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का JN1 सेंसर है जो कि बिल्कुल वही है जो कि OnePlus 10 Pro में इस्तेमाल किया गया था। बैरल डिस्टॉर्शन और HDR इन दोनों को ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हैंडल किया गया है। और यहाँ पे 150 डिग्री का एक शूटिंग मोड है कैमरा ऐप में जो कि आपको लेंस की पूरी फील्ड ऑफ व्यू का पूरा तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है। और लो लाइट फोटोज जो थे वो उतने ब्राइट नहीं आ रहे थे अगर हम उसको मेन कैमरा से कंपेयर करें, जबकि नाइट मोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली चल रहा था, पर फिर भी जो हमें फोटोज मिल रही थी वो काफी हद तक यूजेबल सी थी। जो तीसरा कैमरा है यहाँ पे वो 2 मेगापिक्सल का एक सेंसर है माइक्रो लेंस के साथ जो कि आपको एक्सट्रीम क्लोजअप्स लेने में मदद करता है 20x या फिर 40x मैग्निफिकेशन तक। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ बढ़िया पर्सपेक्टिव्स कैप्चर करने के लिए रोजाना आम दिनचर्या की चीजों का। जो सेल्फी कैमरा है Realme GT 2 Pro में वो वही 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX615 सेंसर है जो कि हमको OnePlus 10 Pro पे देखने को मिला। और ज्यादातर आम दिनचर्या में जो अगर आप फोटोज ले रहे होंगे सेल्फीज तो सारी बढ़िया ही आ रही थी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बहुत ही उच्चतम क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है Realme GT 2 Pro में। यहाँ पे 8K वीडियोस जो हमने दिन में लिए वो बढ़िया लग रहे थे, रात में ली गई वीडियो भी बढ़िया थी, पर स्टेबलाइजेशन जो थी उसकी वजह से अगर हम कुछ भी कैमरा को मूव कर रहे थे तो वीडियो थोड़ी जर्की सी आ रही थी। 4K पे ली गई वीडियो बढ़िया लग रही थी और उनमें स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेहतर थी। जो कैमरा ऐप है वो आपको स्विच करने में मदद करता है मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरास के बीच में जब आप 4K पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ भी काफी हद तक बढ़िया थी यहाँ पे। और औसत हमारे प्रयोग के दौरान हमने ये पाया कि एक दिन से ज्यादा की हमको बैटरी लाइफ मिल रही थी एक सिंगल चार्ज पे। ये जो फोन है 20 घंटा 41 मिनट चला हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट पे। और आप इस 5000 mAh की बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज कर सकते हैं आधे घंटे से थोड़े ऊपर के समय में जो कि काफी तक फास्ट है। जो 65 वॉट का सुपर डार्ट फास्ट चार्जर है वो यहाँ पे आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है। दोस्तों जो Realme GT 2 Pro है वो एक बढ़िया उच्चतम श्रेणी का स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में बहुत कुछ बहुत ही बढ़िया है और इस पे आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिल रही है, कैमरास बढ़िया मिल रहे हैं, ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी तक सही है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। और ये अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से ज्यादा हैवी लेवल की परफॉर्मेंस देता है। पर अगर आप एक IP रेटिंग चाहते हैं और वायरलेस चार्जिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है तो Motorola का स्मार्टफोन जो है वो आपके लिए एक बेहतर चॉइस होगा। जो 12GB वेरिएंट है GT 2 Pro का वो थोड़ा कम एक्सपेंसिव है बाकी Snapdragon 8 Gen 1 स्मार्टफोन्स के मुकाबले, पर एकदम 58,000 की प्राइस पॉइंट पे हमें ऐसा लगता है कि Samsung Galaxy S21 FE 5G या फिर इवन OnePlus 9 Pro 5G आपके लिए एक ज्यादा बेहतरीन फ्लैगशिप होंगे और ज्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी देंगे इसी प्राइस पॉइंट पे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा रिव्यू Realme GT 2 Pro का। आपको भाई ये स्मार्टफोन कैसे लगा भाई हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या आप ये स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके मन में कोई डाउट वाउट उमड़ के आ रहे होंगे वो भी हमें बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कुछ और कुछ शेयर करना है या कोई और डाउट्स हैं या कुछ फीडबैक देना है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।